नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि घर में झाड़ू कैसे रखनी चाहिए, झाड़ू से जुड़ी कुछ बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं घर में झाड़ू को किस तरह रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि झाड़ू साफ सफाई करती है घर की, और जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में झाड़ू को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। झाड़ू को घर में कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। घर में झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, और झाड़ू ऐसी जगह भी नहीं रखनी चाहिए जहाँ पे आते जाते लोगों की हमेशा नजर पड़े। झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, न ही पैर के नीचे झाड़ू आनी चाहिए। झाड़ू किसी वाहन के पहिए के नीचे भी नहीं आनी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि दो झाड़ू या फिर एक से अधिक झाड़ू एक जगह पर नहीं रखनी चाहिए। परिवार में सदस्यों के बीच कलह होती है, घर में तनाव का माहौल रहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि झाड़ू को शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन ही घर में खरीद के लाना चाहिए। और खराब झाड़ू अगर घर में है तो उसे फेंकना चाहते हैं तो शनिवार के दिन इसे फेंकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें झाड़ू से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।